वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बी हेल्दी। आजकल डायबिटीज की बीमारी एक आम समस्या बन गई है जिसका शिकार ज़्यादातर लोग हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण अनियमित खान पान और जीवन शैली हो सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत का हर छठा व्यक्ति ब्लड शुगर की समस्या से परेशान है। ब्लड शुगर की समस्या हो जाने पर समय रहते इलाज नहीं कराते हैं जिसके कारण कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर ब्लड शुगर गंभीर अवस्था में पहुंच गया हो तो आपको हार्ट संबंधी आंखों की समस्या जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज के दौरान आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करने के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं, इससे ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रहेगा। ऐसे ही आप चाहे तो सदाबहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डायबिटीज के इलाज के लिए असरदार माना जाता है और यह आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। सदाबहार का इस्तेमाल काफ़ी समय से आयुर्वेद में काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर ही नहीं बल्कि मलेरिया, गले में खराश और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों में भी लाभकारी है। जानिए डायबिटिक बीमारी कैसे ठीक करे मरीज को। ब्लड शुगर में कैसे कारगर है सदाबहार। सदाबहार के फूल और पत्तियों में एल्कोलॉइड नामक तत्व पाया जाता है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को शक्ति देता है जिससे यह सही मात्रा से इंसुलिन बनाने लगता है। इंसुलिन ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है। डायबिटीज के मरीज ऐसे करें सदाबहार का सेवन। स्वामी रामदेव के अनुसार छोटे बच्चे को अगर ब्लड शुगर की समस्या है तो 5 पत्तियों का सेवन कराएं। वही युवा लोग दिन में 3 बार 10-10 सदाबहार की पत्तियों को चबाकर खा लें, इससे लाभ मिलेगा। सदाबहार की पत्तियों के अलावा इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार के फूल और पत्तियाँ, चिरैता आदि का जूस निकालकर रोजाना खाली पेट पिएं। इससे तेज़ी से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा।